नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर क्यों बनना चाहिए। लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग करने पर जोर देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डेली वो ट्रेडिंग से 1000 रुपये रोज कमाएं, लाखों रुपये महीना कमाएं। लेकिन हम आपको इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपका इन्वेस्टमेंट जो है आपको ट्रेडिंग से भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे और इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, वो एग्जाम्पल होगा विप्रो का। कैसे विप्रो में 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 800 करोड़ का रिटर्न दिया है। ये सिर्फ 800 करोड़ तो हमारा इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न है, उसके साथ ही साथ वो करोड़ों रुपया हर साल डिविडेंड के रूप में भी पे करती है। अगर आप उसको भी मिला देंगे तो ये जो 800 करोड़ है ये आपका 1000 करोड़ हो जाएगा। समझ सकते हैं, इतना बड़ा रिटर्न, इतना मैजिक रिटर्न आपको कभी भी ट्रेडिंग से जनरेट नहीं हो सकता है। तो हमारा जो हमेशा पर्पस होता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करना, कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अच्छी कंपनियां, अच्छे स्टॉक चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोज़ हैं जिसे देख करके आप सीख सकते हैं कि कौन सी कंपनियाँ कितना इन्वेस्टमेंट पर्पस से अच्छी है। तो ये सारे तरह के वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, आप हमारे चैनल पर अगर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट में जो हमारा ग्रोथ है, मतलब इन्वेस्टमेंट में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसमें जो ग्रोथ है उसके बारे में बता दें कि ये जो ग्रोथ होता है इसके साथ साथ जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट होता है, मतलब जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है बोनस देने का और स्टॉक स्प्लिट देने का, ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बदल देता है। एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे 2 का पावर 2 करते हैं कितना होता है 4, अगर 2 का पावर 3 करें तो कितना हो जाएगा 2 का पावर 3 8। इस तरह से एक्सपोनेंशियल रूप से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न प्राप्त होता है बोनस और स्टॉक स्प्लिट से। तो यहीं पर हम सबसे पहले विप्रो के कब कब स्टॉक स्प्लिट किया है, कब कब हमारा बोनस दिया है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा ईयर है, हमने आपका यहाँ पर जो एजम्पशन लिया है कि 1980 में आपने इन्वेस्ट किया, मतलब 40 साल के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है विप्रो में, मतलब अभी प्रेजेंट डेट तक। तो 1980 में इन्वेस्ट किया, तो इनिशियल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया वो 100 शेयर में किया, जिसका प्राइस था 100 रुपीज पर शेयर। अब ये जब 1981 में 1:1 का बोनस देगा, 1:1 बोनस मतलब एक शेयर पर आपको एक शेयर कंपनी फ्री देगा। तो एक शेयर पर एक शेयर कंपनी फ्री देगा, तो 100 शेयर था, 100 शेयर फ्री दिया तो टोटल शेयर कितना हो गया 200। फेस वैल्यू हमारा 100 है, जब तक स्टॉक स्प्लिट नहीं होता है फेस वैल्यू आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1986 में, तो उससे पहले 1985 में फिर से कंपनी ने बोनस लेकर आया और यहाँ पर जो 1:1 का बोनस दिया तो उसके अनुसार आपका शेयर जो पहले से 200 था अब कितना हो जाएगा, फिर से 200 शेयर फ्री मिलेगा तो 400। अब उसके बाद जो है स्टॉक स्प्लिट होता है कब, 1986 में ये स्टॉक स्प्लिट होता है फेस वैल्यू 10 में, पहले फेस वैल्यू था 100। तो जब हमारा फेस वैल्यू स्प्लिट होता है जिस रेशियो में, तो नंबर ऑफ शेयर उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो 10 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू, तो 10 के रेशियो में आपका जो नंबर ऑफ शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो हमारा 400 शेयर था आपका अब हो जाएगा 4000 शेयर। समझ सकते हैं, आप पहले 400 शेयर था, अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा 4000। अब फेस वैल्यू हो गया 10। और फिर 1987 में 1:1 का बोनस, तो एक पर एक शेयर फ्री, तो 4000 शेयर है आपके पास, 4000 फ्री शेयर मिला तो हो गया कुल 8000 शेयर। फिर 1989 में 1:1 का बोनस, मतलब एक पर एक शेयर फ्री, तो फिर 8000 शेयर आपके पास था, 8000 फ्री शेयर, तो कुल हो गया 16000 शेयर, मतलब 16000 शेयर। और फिर 1992 में आपको 1:1 का बोनस मिलता है, मतलब 16000 शेयर आपके पास है, 16000 शेयर आपको फ्री मिला तो हो गया 32000
10,000 शेयर। फिर 1995 1:1 का बोनस दिया गया, तो मतलब 32,000 शेयर है, 32,000 शेयर फ्री दिया गया, तो हो गया कुल 64,000 शेयर। फिर यहां पर 1997 में 2:1 का बोनस, मतलब 1/2 शेयर फ्री दिया गया, तो मतलब पहले से 64,000 शेयर था उस पर आपको 64×2 मतलब 1,28,000 शेयर आपको फ्री दिया गया, मतलब 64,000 पहले से था, 64×2 से गुना कर दिए 128, मतलब 1,28,000 शेयर, तो कुल 1,28,000 शेयर फ्री दिया गया, 64,000 पहले से था, कुल ऐड करके कितना हो गया 1,90,000 शेयर। फिर जो स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू दो में 1999 में, पहले से 10 था फेस वैल्यू, फिर फेस वैल्यू दो में स्प्लिट हुआ 5:1 में, तो आपका शेयर भी 5 times हो जाएगा, तो यहां से आप 5 times कर दीजिए तो हो गया 960,000 शेयर, तो जिसका फेस वैल्यू 2 हो गया। अब फिर 2004 में 2:1 का बोनस, मतलब 1/2 शेयर फ्री दिया गया, मतलब 960,000 शेयर था, इसका 2 times कर दीजिए तो आपको उतना शेयर 1,92,000 शेयर आपको फ्री दिया गया, 1,92,000 नहीं, 960 times ये मतलब 960,000 को 2 times कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा 19,20,000 शेयर आपको फ्री दिया गया, प्लस 960,000 पहले से था, तो कुल हो गया 28,80,000 शेयर। फिर से 2005 में 1:1 का बोनस, 1:1 का बोनस दिया गया, मतलब आपके पास 28,80,000 शेयर है, तो इसको पर इतना शेयर फ्री मिल गया, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब 28,80,000 शेयर और फ्री मिला, तो 28,80,000 प्लस 28,80,000 हो गया 57,60,000 शेयर, फेस वैल्यू 2 ही है अभी तक। उसके बाद फिर 2010 में 2:3 का बोनस, मतलब इस बार आपको 3 शेयर पे 2 शेयर फ्री मिला, मतलब 3 शेयर आपके पास तो 2 शेयर मिलेगा, तो यहां से आपको कुल शेयर हो गया हमारा 96,00,000 शेयर। फिर 2017 में 1:1 का बोनस, मतलब यहां से आपको इतना शेयर फ्री मिला प्लस इतना शेयर पहले से था, दोनों ऐड कर दीजिए तो हो गया 1,92,00,000 शेयर। और फिर 1:3 का बोनस, मतलब 3 शेयर पे 1 शेयर आपको फ्री दिया गया, 3 शेयर पे 1 शेयर फ्री, तो आपके पास था 1,92,00,000 शेयर, तो 1:3 के बोनस के अनुसार मतलब 3 पे 1 शेयर फ्री मिलेगा, तो कुल ऐड करके आपका शेयर हो गया 2,56,00,000 शेयर, 2,56,00,000 शेयर कुल आपके पास हो गया। तो 2,56,00,000 शेयर जब आपके पास हो गया तो इसका आप करेंट वैल्यू निकाल लीजिए, करेंट में इसका वैल्यू कितना होता है, तो कुल इतना का इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न हुआ, साथ साथ डिविडेंड अलग, मान लीजिए 1 रुपया का डिविडेंड देता है विप्रो हर साल, तो आपके पास 2,56,00,000 रुपया का डिविडेंड आएगा सिर्फ। समझ सकते हैं कि अभी जो है अगर 1 रुपया का डिविडेंड मिलता है पर शेयर, तो आपके पास 2,56,00,000 का डिविडेंड अमाउंट होगा। उसके बाद टोटल जो नंबर ऑफ शेयर अभी हो गया इतना, तो टोटल रिटर्न जो आपको इन्वेस्टमेंट में मिला, 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था 1980 में, तो अभी कितना आपको रिटर्न मिला ये आपको देखना है। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि आपने इसमें से कोई शेयर नहीं बेचा, मतलब आपने जो 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था टोटल का टोटल शेयर आपने अपने पास रखा, उसमें से कोई भी सेल नहीं किया 1980 में, जो 10,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया, अभी जो टोटल अमाउंट वो हो गया, तो 2,56,00,000 में गुना कर दीजिए 210 रुपया से गुना कर दीजिए, मतलब नंबर ऑफ शेयर गुना 1 शेयर का प्राइस, तो टोटल जो अमाउंट हो गया आपका वो देख सकते हैं 537 करोड़ 60 लाख, तो या इसको सिर्फ करोड़ में देखेंगे तो 537 करोड़ का अमाउंट हो गया अभी करेंट प्राइस जो है 210। लेकिन जो इसका हाईएस्ट प्राइस था 2019 में वो 300 रुपया के आसपास था, तो 300 रुपया के रेट से आप निकालेंगे, मतलब 300 रुपीज के रेट से निकालेंगे तो ये 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा। समझ सकते हैं 800 करोड़ के आसपास हो जाएगा आपका जो रिटर्न है वो, जब आप जो हमारा 2019 में इसका शेयर 300 रुपये का हुआ करता था,
तो उस रेट से निकालेंगे तो आपका जो टोटल रिटर्न होगा वो 800 करोड़ होगा। तो समझ सकते हैं कि कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, मतलब जब एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, मतलब आप जो इन्वेस्ट करते हैं उसको इन्वेस्ट रखते हैं, क्योंकि जब एक लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म होराइजन में आपके इन्वेस्टमेंट पर उतना जो डिविडेंड अमाउंट ही प्राप्त होगा। तो समझ सकते हैं कितना बेनिफिशियल है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्ट करें एक लॉन्ग टर्म के लिए करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग से क्यों बचना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करते हैं आप तो 30 दिनों में आप 30 दिन प्रॉफिट नहीं कर सकते, उसमें कुछ दिन आप प्रॉफिट करेंगे तो कुछ दिन लॉस में जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो मतलब टोटल अमाउंट अर्न होगा वो आप जो अर्न किए उसमें से आप जो लॉस किए जिस दिन वो माइनस करेंगे उसके बाद प्राप्त होगा। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है आप लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो निश्चित है आप बेनिफिशियल होंगे। आप जो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है उसमें अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पैने स्टॉक से बचें और अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करें जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग हो। इसके लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंपनियों के फंडामेंटल रिसर्च करने पड़ेंगे, साथ ही साथ देखने पड़ेंगे कि आगे उनके बिजनेस में ग्रोथ है या नहीं है। तो सारे पैरामीटर्स देखने के बाद ही आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।